चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जिनमें आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन डे एग्जाम में जो भी आपकी परीक्षाएं आती हैं, फिर चाहे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके जिस भी परीक्षा में पूछे जाते हो, उन सभी के लिए ज़रूरी रहे, यानी कि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के हम लोग 11 टेस्ट आपके अभी तक ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 12वां टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और याद रखिए, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि जीएस खत्म करवाने के बाद, पहले हमने विस्तार में बात की, आपने देखा है जीएस को पूरा, आपका किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर की हुई है, लूसेंट भी कवर करवा दी थी। उसके बाद मैंने बोला था कि 1000 से 1500 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी परीक्षा देने जाते हैं तो इनको देखकर, आप लोग देखकर जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें आप आराम से सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चंस क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनुशीलन समिति, किसके? अनुशीलन समिति। तो इससे अगर आपका पूछे कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 24 24 मार्च 1902 को, ठीक है, प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको याद रखना, पी मित्रा का नाम अगर आयब के किस क्रांतिकारी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है अनुशीलन समिति। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको बता देना है 24 मार्च 1902 को, ठीक है। इन्हें किसने की थी? प्रमथनाथ मित्रा ने। इस समिति के साथ श्री औरबिंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेन्द्र नाथ दत्ता और अरविंद घोष, ऐसे लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। याद रखिए, अगर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 2 से 3, और कभी कभी तो हम देखते हैं 5 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब इसमें भी आपने देख लिया है कि कितने तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी वजह से। क्वेश्चन है हमारा अगला, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये शिक्षा शिक्षाविद भी, लेखक थे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्य अध्यापक भी रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सिराजुद्दौला को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है। और आपने सुना होगा कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में इनकी हार हुई थी। तो आपसे पूछे अगर कि प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो आपको बता देना है 1757 में, किस किस के बीच हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है, इन दोनों के बीच। क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो आप याद रख सकते हैं बड़ौदा में, कहा? बड़ौदा में, ए ऑप्शन सही है। आप देखेंगे कि बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून भी पारित किया गया था। इसमें देखेंगे कि आपको 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। और अभी अगर करंट में हम लोग बात करें, तो आपने देखा होगा कि 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और इसके तहत आपको शिक्षा का अधिकार मिलता है, मौलिक अधिकारों में इसे जोड़ा जाता है 21A के तहत। आप भी जानते हैं कई बार क्वेश्चंस भी बन चुका है इससे, तो आप समझ रहे हैं कि बड़ौदा में बहुत पहले से इस तरह का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? यह है भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था इसमें। क्या? भारत का राष्ट्रीय गीत इसमें पहली बार गाया गया था। और ये आपका याद रखिए, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और आपसे पूछे कि अगर वंदे मातरम की रचना किसने की थी, तो ये थे बंकिम चंद चटर्जी, इन्होंने की थी। और आप जानते होंगे कि ये मूल
ये आपका संस्कृत में लिखा गया था, फिर बाद में देखेंगे वंदे मातरम उनकी उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, या उपन्यास 1882 में प्रकाशित भी हुआ है, 1882 में, ठीक है, याद रखिए कलकत्ता में हुआ था ये 1896 का अधिवेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्र का गान शीर्षक क्या है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है, तो इसका है भारत विधाता, डी ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय गान की रचयिता आप जानते हैं, रचना इन्होंने किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था, और 24 जनवरी 1950 को आप देखेंगे संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी के रूप को राष्ट्रगान में रूप में स्वीकृति भी मिली। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, कब, 1911 में, ठीक है, याद रखना है आपको कुछ पॉइंट। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, देखिए पूछ लिया ना डायरेक्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो आप देखेंगे कि 1911 की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है, पहली बार। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। आप जानते होंगे कि प्लासी की युद्ध 1857 को होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे इनके बीच था। इस लड़ाई में आप देखेंगे कि नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और एक दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, ये आपका 1764 में होता है, ठीक है, याद, माफ करिए आपने क्या सुना है अभी, ये आपका 1757 को होता है, कब, 1757 को होता है प्लासी का युद्ध, ठीक है, ना कि 1857 को। कभी कभी क्या होता है कि बोलने में गलती हो जाती है, तो इतने तो समझदार हो आप लोग पढ़े लिखे इतने, तो अगर इस तरह के बोल देता हूं तो आप नीचे लिख दिया करिए सही। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है, प्रसिद्ध विद्या सेतु किस शहर में स्थित है, ये आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा, कहाँ, कलकत्ता में देखने को मिलेगा। ये विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहते हैं, दूसरा हुगली सेतु भी कहते हैं। आप जानते होंगे इस सेतु का नाम समाज सुधारक थे आपके ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, यथे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपने देखा होगा कि 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की, ये कई बार क्वेश्चंस बन चुका है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कब की थी, 1875 में। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे, भारत में वेदों की छपाई और उनके संरक्षण में पहली बार शुरू की गई थी, और सत्यार्थ विकास उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। ये भी कई बार पूछ लिया गया कि सत्यार्थ विकास किसकी कृति है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। याद रखिए कई लोगों का कहना है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उन्हें, तो याद रखिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, इससे क्या होगा जो भी आता है क्लास आती है आप लोगों को मिलता रहेगा नोटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्वराज का माजा जन्मसिद्ध अधिकार आए, यानी कि कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि स्वराज हमारा, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है, मराठी में ये है। यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी, आप देखेंगे कोर्ट में, कहाँ, कोर्ट में। स्वराज हा माजा जन्मसिद्ध अधिकार आए, अनि तो मैं मिला विनाज का हिंदी रूपांतरण आप लोग सुनते रहते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन आप जानते होंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 साल की सजा हुई थी। इसके बाद आप देखते हैं कि 6 वर्ष के लिए कारावास के लिए मांडली जेल में डाल दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन है हमारे सामने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जय गोपाल
किस षड्यंत्र में शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ये थे लाहौर षड्यंत्र में। किसमें? लाहौर षड्यंत्र में। आपने देखा होगा कि लाला लाजपत की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा था, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी थी जिसके उस मौके पर ही मौत हो गई थी, और आपने देखा है बाद में इन लोगों को फांसी भी दी गई है। आपसे कई बार पूछ लेता है कि भगत सिंह, राजगुरु और तीसरा व्यक्ति कौन था जिसे फांसी दी गई थी। इन तीन नाम को एक साथ याद रखिए, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है? आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? सिंगापुर में। सिंगापुर में कहाँ? सिंगापुर में। और कब की गई थी? 1943 में। 1943 में इसमें सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी दोनों की स्थापना 1947 में सिंगापुर में की थी। इन नामों को याद रखना, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस। क्वेश्चन है हमारे सामने, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? गुरुमुखी लिपि किस गुरु के द्वारा शुरू की गई? तो आप जानते होंगे कि गुरु अंगद, गुरु नानक आप जानते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक साहब की रचनाएं थी जो संकलन उनका किया, और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया था, ठीक है? गुरु अंगद ने, और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, वारिंद घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे? वारिंद घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे? ये था जुगांतर। क्या था? जुगांतर। बी ऑप्शन सही है। आप जानते होंगे कि जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार है। इसकी स्थापना 1906 में वरेंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्तरा ने इसकी की थी इसे, ठीक है? याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1946 के तिबेहगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? 1946 का तिबेहगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो इसे देखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को। आप देखेंगे कि तिबेहगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों में ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरोध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेतों व्यवस्था के विरोध था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इंडियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसे देखेंगे तमिलनाडु में। का तमिलनाडु में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को होती है मद्रास में, और वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको तमिलनाडु में चेन्नई के मरेकायर लेब्बाई स्ट्रीट में देखने को मिलेगा, ठीक है? ये आज़ादी के बाद इसका गठन हुआ, 1947 के बाद। क्वेश्चन है हमारे सामने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि लाहौर में 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है। इसमें आप देखते हैं कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित भी किया जाता है, और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था इसे भी पारित किया गया, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई। और आज भी देखते हैं आप लोग कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी को, इसी के उपलक्ष्य में कह देते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कई लोगों को कन्फ्यूज रहता है, याद रखिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस मनाते हैं कब?
26 जनवरी को, क्योंकि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र हो जाते हैं। और आप देखते हैं भारत को एक गण यानी कि गणतंत्र कब इसे मतलब संविधान पूरी तरह से लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ये आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी यहाँ। एक सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ याद रखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी, और लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के लिए अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में आपने देखा है कि मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई इसके द्वारा, और देखा भी आपने कि पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, और एक बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए, किरण सामान ज्ञान बुक्स को पढ़ लीजिए अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए आपकी काफ़ी है उतना मटेरियल मुझे लगता है। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर बहुत विस्तार से पढ़ाया गया, फिर उसके टेस्ट भी लगवाए गए आपसे, और एमपी को भी पढ़ा दिया गया, यूपी को भी पढ़ा दिया गया, तो मुझे लगता है कि आपको जीएस के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और किरण सामान्य ज्ञान बुक्स को बहुत कवर किया गया है, और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी या यूपीपीसीएस, तो उनके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ाई ही जा रही है। ठीक है, तो उन्हें भी देख लीजिए आप लोग, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? याद रखिए हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। आप देखते हैं 1961 तक रहते हैं हमारे देश में पुर्तगाली। ठीक है, तो ये कब दिया था? ये था 1668 की बात। बी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलेबंदी की गई बाद में, इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। याद रखिए जब भी कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इस तरह के बाहरी, तो वो व्यापार के उद्देश्य से आए हुए थे, लेकिन बाद में हमने उन्होंने देखा कि यहाँ राज करना आसान है, क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारे देश में जितने भी क्षेत्रवाद की व्याप्त था, यानी कि अपने क्षेत्र को बचाने का होड़ लगा हुआ था, राष्ट्रवाद था ही नहीं हमारे देश में। यानी कि आप सोचिए कि अगर झांसी को, आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि झांसी को बचाने के लिए या ग्वालियर को बचाने के लिए सिंधिया ने देखा है अपने कि अपने राज्य यानी कि अपने क्षेत्र को बचाने के लिए झांसी रानी की बलि चढ़वा दी। तो पहले इतना मतलब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान और भारत की तरह हुआ करते थे, देश देशों की तरह। बाद में आपने देखा कि एक राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, फिर जाके हमें आज़ादी मिली। राष्ट्रवाद के बारे में भी हम लोगों ने बड़ा विस्तार से बात की हुई है, 1-1.5 घंटे आराम से, तो आप जाकर देखिए एनसीईआरटी में। राष्ट्रवाद हर देश के लिए जरूरी रहता है, वरना इसके कई टुकड़े हो सकते हैं। आज भारत में राष्ट्रवाद ना होता तो भारत के भी कई टुकड़े हो जाते हैं। भारत को राष्ट्रवाद का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि संविधान और राष्ट्रीय ध्वज जोड़े हुए हैं। आज हम लोग किसी की सेवा करें या नहीं, किसी को माने या नहीं, लेकिन संविधान को जरूर मानते हैं, राष्ट्रध्वज को, झंडा को जरूर मानते हैं, और यही मान्यता यानी कि हम खुद से ज्यादा उसको माने, यही तो राष्ट्रवाद है एक तरह से। हमें दूसरे से परिभाषा नहीं लेनी है। आज का राष्ट्रवाद आप देख रहे होंगे कि सरकारें आ रही तो अलग अलग डिफाइन इसकी डेफिनेशन दे रही हैं, उसमें आपको नहीं उलझना है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आप जानते होंगे कि ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। 1873 में इस पुस्तक को लिखा गया है, और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो आप देखेंगे 1915 में ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी ने, और 13 अप्रैल 1919 को, ये घटना को याद रखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इससे दुखी होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी वापस की। अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगर आपसे पूछे कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के बाद त्यागी थी, तो याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, क्वेश्चन हमारा,
स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछ लेते हैं। तो जे बी किपलानी साहब, इन्हें आप लोग जीवंत राम भगवान दास किपलानी के नाम से जानते हैं। किपलानी एक दार्शनिक थे, गांधीवादी भी थे, समाजवादी भी थे, पर्यावरणविद भी थे और स्वतंत्रता दिवस थे, समझ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? आपको याद होगा कि 1906 में। सी ऑप्शन सही है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है 1861 में, याद रखिए इस पॉइंट को भी, 1861 में। ये होती है अलेक्जेंडर कनिंगम के समय होती है, इन्होंने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया। स्थायी संस्था आपसे पूछे तो 1906, और अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई तो आप कहेंगे 1861। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिससे आपके दिमाग को भटकाया जा सके और आप गलत कर बैठे। अब आप समझिए कि अगर आपको मालूम ना हो स्थाई और स्थापना में, तो आप टिक क्या लगाएंगे, 1861 लगाएंगे कि नहीं। तो बड़े ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हमारे सामने, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो आपको मालूम होगा कि 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जैसे जापान, नाजी जर्मनी, इटली, उनके सहयोगियों से हमें मिला हुआ था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। और रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? तो आप सभी जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और गांधी जी ने वहां नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। इसे ही हम लोग नमक कानून तोड़ने की व्यवस्था कह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ये थे राम मनोहर लोहिया। आज देखते हैं आप लोग की जो SP है, यानी कि सापा है उत्तर प्रदेश में, आप लोग देखते हैं अखिलेश यादव की पार्टी मुलायम सिंह, तो वो इन्हीं की विचारधारा की बात करते हैं। लेकिन हकीकत याद रखिए, यह हकीकत रहती है कि जो भी विचारधारा है उन्हें कम ही पार्टियाँ फॉलो करती हैं। ठीक है, जो हकीकत उनकी विचारधारा रही है उसे आज देखिए आप, मदर टेरेसा का जन्मदिन हर कोई मनाता है लेकिन मदर टेरेसा जिस रास्ते पर चली है उसे कोई फॉलो नहीं करता है, समझ रहे हैं। तो जन्मदिन मनाने लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलना है तो आपको उनके रास्ते पर चलिए। और याद रखिए राम मनोहर लोहिया का जन्म होता है 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में। और वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? ये था मीर जाफर। ये कब होती है बक्सर की लड़ाई? 1764 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है, स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की? ये अश्विनी कुमार दत्ता। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन के उद्देश्य की बात करें तो उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना, जिसे हम लोग आज भी देखते हैं कि इस तरह के आंदोलन चलते रहते हैं, चाइना सामानों को बायकॉट करना। अभी कुछ ही दिन पहले जब ये आंदोलन आपका चल रहा था, हमने देखा कि लद्दाख में किस तरह से झड़प हुई, उसके बाद हमारे भी सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद मैंने कुछ इतिहासकार हुए हैं उनसे बात की, पता है उन्होंने कहा कि देखिए हमारी संस्कृति हजारों साल से चली आ रही है, हमारे यहाँ
कई तरह की मुस्लिमों के आक्रमण हुए, बाहरी देशों के आक्रमण हुए, अंग्रेजों के आक्रमण हुए, किसी की कितनी भी औकात नहीं थी कि हमारी संस्कृति को कोई ख़त्म कर पाए। लेकिन आपने देखा है कि 1947 से आज तक के इस बीच में, इस समय पीरियड में, आप देखिए कि हमारी संस्कृति पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? तो उन्होंने कई कारण बताए, इसमें नेताओं का कारण भी उन्होंने गिनाया, और सबसे कारण उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति ऐसी थी ही नहीं। हमारी संस्कृति को आप देखते हैं कि एक दूसरे की इज्जत करना, कोई गिर रहा है तो उठे उठाना, एक समझिए कि मतलब एक पूरी तरह से इंसान बना के छोड़ती थी हमारी संस्कृति, मानवता मतलब पूरी मानवता धारण करवा देती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि कुछ मूवियों का भी इसमें रोल है और कुछ नेताओं का भी इसमें रोल है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए उन्होंने। समझ रहे हैं कि हजारों सालों से हमारी संस्कृति चली आ रही, कोई हमारी संस्कृति को हानि नहीं हुई, कोई ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन इस कुछ सालों में ही देखते हैं आप लोग किस तरह से ध्वस्त होती जा रही है। उनने कुछ भी देखिए, याद रखिए, आज जो भी आप कर रहे हैं कल इतिहास बनेगा, क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है, कल इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास में हम लोगों को बड़ी गाली पड़ेंगी, इतना और याद रखिए, क्योंकि हम आँख बंद करके तमाशा देख रहे हैं सिर्फ। और आपको याद होना चाहिए कि बहुत कुछ खोया तब हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन उसका महत्व हम लोगों ने नहीं समझा है। समझ में आए? क्वेश्चन हमारा, स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? सॉरी, ये तो देख चुके ना हम लोग। क्वेश्चन हमारे सामने, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई, किसके साथ लड़ी गई? ये था मीर कासिम, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध नवाब और मुगल शाह सम्राट आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। इस लड़ाई में आप देखेंगे कि जो अंग्रेजों का नेतृत्व करता था वो था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बुड डिस्पैच को। सर आप जानते होंगे सर चार्ल्स बुड डिस्पैच ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पेशेंट मतलब पत्र भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके बोर्ड डिस्पैच कहा जाता है। आप सोचिए कि उस समय भी मातृभाषा को हमारी महत्व दिया जा रहा था। समझ रहे हैं आप लोग? आप देखिए, शायद हम लोग नहीं देख पाएंगे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर देखेगी इसे। भारत तो रहेगा, देखिए भारत की जो भौगोलिक स्थिति है इसे ये तो हमेशा रहेगी, लेकिन जो हमारे भारत की, हिंदुस्तान की मेन छवि है, जो हमारी इंसानियत है, ये कभी नहीं रहेगी। अभी एक आपने बड़ा अच्छा वो सुना होगा कि श्री राम कह गए सीता से कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस दुनिया को बनाने वाला खुद बैठ के पछताएगा। आज यही तो हो रहा है कि आप खुद देख लीजिए ना कि माँ बाप जन्म देते हैं बच्चे को, वो बाद में आप देखते हैं कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है। देखिए मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ कि माँ बाप को शर्म महसूस होने लगती है, तो हमारे पहले के जो भी होते हैं उन्हें भी शर्म महसूस होती होगी हमसे। हम आगे उसे संस्कार को, मानवता को बढ़ा ही नहीं रहे। आप लोगों को कई बार उदाहरण दे चुका हूँ मैं, ऐसा मतलब ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं महान हूँ, लेकिन जो हकीकत है उसे जिद देखिएगा। शायद हम लोग 200 साल जिए हैं कुछ ना बोल के, एक जिंदा लाश देख के, क्योंकि बोलना एक बहुत क्रांतिकारी कार्य है। हो सकता है आप अगर सच बोलें तो आपको कल ही मार दिया जाए, और इसी डर के साए में हम लोग जीते रहते हैं। खैर छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन हमारे सामने, वर्णाकूल और प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय की द्वारा पारित किया गया था? ये था लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन रहता है 1876 से 1880 के दौरान भारत में वायसराय रहता है। 1876 से 78 के बीच जो अकाल पड़ा, इसे सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना भी की गई थी। उन्होंने वर्णाकूलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम 1878 को
पारित किया था, तो इसे भी याद रखिए, 1878। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, तो ये था लॉर्ड एक सेकेंड रुकिए, तो ये थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, आप जानते होंगे कि इनकी हत्या इनकी कार्यकाल के दौरान की गई, 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, याद रखिए जो आप लोग पढ़ते हैं लूसेंट और किरण सामान्य ज्ञान बुक्स, जिसे हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, उन्हीं से लिए गए क्वेश्चन से आपके, आप देखिए कि कोई ऐसा नहीं है कि आपका कहीं और से उठाकर ले दिया गया हो। बस क्या रहता है कि हम किताब पढ़ते हैं तो हमें सभी फैक्ट याद नहीं रहते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप किताब पढ़िए, उसके बाद अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए। इससे क्या होता है कि आपको मालूम हो जाता है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं, और आपने देखा होगा जब हम एक क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो वो आने वाली कभी भी परीक्षा होती है उसे हमेशा हमारे दिमाग में फीड हो जाता है एक तरह से। आपने देखा होगा कि अक्सर आप पेपर दे के आते हैं और आप फिर मिलान करते हैं उसका आंसर, और एक बार आपको पता चल जाता है कि इसका अच्छा ये था, तो आपको फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता है। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि अधिक से अधिक आप लोग क्वेश्चंस लगाया करिए। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस किस लिए किया था, तो ये था भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया, और विलियम हंटर वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। ठीक है, आपकी जो नई शिक्षा नीति आई हुई है उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, तो आप उसे देख लें, आप सभी लोगों के लिए काम की चीज़ है वो। क्वेश्चन है हमारे साथ सामने, भारतीय एक सेकेंड, भारतीय टंकण पी कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया, तो जानते होंगे शायद आप लोग, लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 का प्रतिपादन पारित किया था और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की थी। इसी समय कागजी मुद्रा अधिनियम भी कहते हैं आप लोग, ठीक है, एक तरह से कागजी मुद्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है, तो ये थे नाना फडणवीस, ए ऑप्शन सही है। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिक भी थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली, सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिक निकोलो मैकियावेली पर के आधार उनके नाम के आधार पर इनका नाम दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा, आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, श्री रंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है, यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से, तृतीय आंग्ल मरो मराठा युद्ध, सॉरी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ए कब हुआ, 18 मार्च 1872 को खत्म होता है श्री रंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म होता है। इस संधि पर आप देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधित्व, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे, तो याद रखिए श्री रंगपट्टनम की संधि को, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा असत कथन असत्य है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है,
यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था? गलत है। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था। सही है। प्रांतीय विधान पालिका में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी, ये भी सही है। इसके द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, ये भी सही है। क्योंकि आप जानते हैं पूना समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच नहीं हुआ था, गांधी महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। ये आपका 20 मार्च 1927 को किया गया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1858 में। 1858 में। क्वेश्चन है अगला हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? इसे पहले भी बता चुका हूं, पहली बार इसमें राष्ट्रगान गाया गया था आपका। ये आपका 1896 में कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। इसमें वंदे मातरम आपका गाया गया था, और वंदे मातरम की बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है इसे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा? तो ये थे चार्ल्स, सर चार्ल्स मेटकाप। सर चार्ल्स मेटकाप 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। क्योंकि आप जाते हैं अंग्रेजों के समय भारतीय प्रेस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे, लेकिन इन्होंने छूट दी हुई थी। क्वेश्चन है हमारे सामने, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारतास व्यवस्था, कारटाज भी कहते हैं, से व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया? एते पुर्तगाली। कारटाज या कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किया गया था। याद रखिए ये पुर्तगाली क्या थे कि अपने आप को स्वामी मानते थे समुद्र का। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवीसेट नामक व्यवस्था की थी। क्वेश्चन है हमारे सामने, सुरेंद्र बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, बिल्कुल सही बात है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक भी थे, इस ये भी सही है। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की, ये आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, और जो साधारण साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद सेन, उमेश चंद दत्ता ने की थी, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन हमारे सामने, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? देखिए कहा था ना आपसे क्वेश्चंस बनेगा, इससे बन जाएगा, पूछ लिया आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इन्हें कब दी गई थी नाइटहुड की उपाधि? 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन है हमारे सामने, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ये था लखनऊ अधिवेशन 1916, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। इसमें आपने देखा कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई,
इस अधिवेशन में आपने देखा है कि दो धड़ जो थे, गरम दल और नरम दल के बीच एक तरह से समझौता भी किया गया था। सबसे जरूरी है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका प्रसाद मजूमदार ने। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस बन चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो आप सभी जानते हैं कि एक कोची में, केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है कोची, कोची पोर्ट। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती यहीं बसी, यह जल से घिरा हुआ स्थान है, यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? गोलकुंडा। 1832 में आप देखेंगे कि अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए उन्होंने शुल्क था 500 पेगोडा प्रतिवर्ष, इसी के बदले उन्हें मुक्त व्यापार समझौता मिला। आज भी तो आप लोग सुनते रहते हैं मुक्त व्यापार समझौता, ट्रेटी हुई है, समझौता हुआ है इन देशों के साथ। क्वेश्चन है हमारे सामने, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? या आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी ऑप्शन सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है आपका 17 मई 1782 को सलवाई की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक है, इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। तो ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर बता दिए गए हैं। और याद रखिए, इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।